हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्नो 2.0। मेरा नाम है आरबी यादव रंबा है। आप देख रहे हैं टेक्नो 2.0। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का पोस्टर कैसे बनाना है। आपको मैं फ्री में पीएलपी फाइल आपको देने वाला हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर पीएलपी फाइल आपको मोबाइल में पिक्सल में ऐड करना नहीं आता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग पीएलपी फाइल डाउनलोड करके ऐड करना सीख लीजिए। और सारा किस तरह मैं जितना पोस्टर पर बताऊँगा आपको पीएलपी फाइल में आपको मिलेगा। तो आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाला जेना प्रोजेक्ट है आपको मैं इसी यूट्यूब पे मैं देने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, तो सर मैंने लिख दिया बीटीसी पद के भारी प्रत्याशी। अगर आपको बीटीसी या प्रधानी का नाम बदलना है, सारा सारा आपको चेंज करना है, तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैसे चेंज करना है इसमें। आप जो भी चाहो, जो भी हो, सारे सारा आप चेंज करते, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप सभी क्षेत्रवासियों को अगर ये सब सारा का सारा चेंज करना है, आपको कैसे लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए, स्टेप स्किप करेंगे तो आपको पीएलपी फाइल में पासवर्ड दे दिया गया है। पीएलपी फाइल का पासवर्ड आप इसी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको चार स्टेप में मिलेगा। तो आप देख रहे थे कि आप यहाँ जैसे मेरा बीटीसी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। और इस वाले आइकन पे क्लिक करने में बीटीसी लिखा है, यहाँ पर बीटीसी लिखा है, तो इसको मैंने ठीक है, यहाँ पर बीडीसी लिखा है। मैंने यहाँ बीडीसी को चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पर बीडीसी को चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर बीडीसी है, ठीक है, यहाँ पर बीडीसी वाला है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए, मैं इसको चेंज करना बता रहा हूँ। बीडीसी लिखा हुआ है ये वाला, तो आपको वहाँ पर सारे सारा आपको लॉक दिखेगा, आपको अनलॉक कर लेना है। जिस पे अनलॉक करेंगे जो जो चीज़ वही वही चीज़ आपको हिलेगा और कुछ नहीं हिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सारा सारा लॉक करके रखूँगा, और आप लोग यहाँ पर से जाके इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए आपको तालिक नज़र आएगा, तो उस पर एक बार छू देंगे तो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अनलॉक की बीडीसी है। तो आपको यहाँ पर प्रधानी लिखना है, या तो कोई भी आपको लिखना है, या नाम और फोटो सब चेंज करना है, तो मैं रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बीडीसी लिखा है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार आपको बैक करना है। यहाँ पर आपको बीडीसी लिखा है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे इस तरह से, ठीक है। एक कैप्चर कोड आता है, ठीक है, आपको कैप्चर कोड आपको प्रधानी या कुछ भी लिखने का, उसका कैप्चर कोड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक बार अच्छे रहता हूँ अपने गूगल पे, ठीक है, इसको बैक करते हैं। आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको बैक करके, तो यहाँ पर आपको लिखेंगे, आप गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदी फंड कन्वर्टर। देखिए, जैसे ही आप हिंदी फंड कन्वर्टर लिखेंगे तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन ओपन होगा, उस इस पर क्लिक कर देंगे, पहले वाले पे क्लिक करेंगे, आपका इस तरह का आएगा, ठीक है। इस तरह के आने के बाद या यूनिक कोड, यहाँ पर यूनिक कोड है, ठीक है, तो सही इसको यूनिक कोड है, इस पर आकर आपके आकृति देव प्रिया पे इस पर क्लिक सेव कर लेना पहले वाले पे, और दूसरा वाला को छोड़ देना। दूसरे वाले पे यहाँ पर अपना हिंदी में टाइप करना, जैसे मैं प्रधान लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी टाइप करना, अपना नाम ही लिखना हो डिजाइन में, तो भी आपका यहाँ से सारा का सारा आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रधान, ठीक है, तो आप प्रधान यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे प्रधान लिखते हैं, ठीक है, प्रधान, ठीक है। अब इस वाले आइकन पे जो यहाँ पर प्लस वाला आइकन, इस वाला आइकन एरो आता है, इससे पहले आप पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका कोड आ जाएगा। तो आपको कोड ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, आपको ऐसे कोड को कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आपका फिर से आपको पीएल फाइल में अपना पिक्सल में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पिक्सल में आते हैं, इसमें एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है, और सारे के सारे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार में, या तो डिलीट कर लो या सेलेक्ट कर लो, कोई भी आप चाहे डिलीट कर दो इसे या सेलेक्ट कर दो इसको, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे प्रधान वाला है आपका, यहाँ पर कैप्चर कोड आ जाता है, तो इसको डन कर देना है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर प्रधान हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो सारा सारा ऐसे ही सब कुछ आप यहाँ पर से आपको चेंज कर लेना है। अगर यहाँ पर चेंज ऐसे करके आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप हम अपना फ़ोटो लगाए हुए हैं, तो फोटो को आपको यहाँ पर से अनलॉक कर लेना है। जैसे मैंने फ़ोटो को है ना, तो इसको अनलॉक करेंगे, तो उसके बाद इसको अंदर कर देंगे, ठीक है, इस वाले आइकन पर क्लिक, अब फोटो भर ही लेगा, ठीक है। और फोटो इसको डिलीट कर देना है, जैसे मैं इस पर क्लिक करके आप डिलीट कर दोगे, और यहाँ अपना फोटो लगाना चाहते हो तो इस वाले पे जाने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हो जैसे ही आपको इसे चले जाना है। अब यहाँ पर आपको जहाँ आपका फ़ोटो हो, कोई भी फ़ोटो, तो मैंने अपना फ़ोटो अपने यहाँ पर रखा हुआ एल्बम में, और फ़ोटो आपको क्लिक करने के बाद, जैसे मैं आपको फोटो बैकग्राउंड हटाना नहीं आता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इस वाले को फिर से इसी को सेव करता हूँ, ठीक है, आपको इसको आकर जूम आउट कर देना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपको जानना चाहे उतना अंदर तक आपको जितना पढ़ना चाहिए, आप इसको फिर से दोबारा अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह का फोटो बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप भी देख सकते हो। और पीएलपी मोबाइल में, पीएलपी फाइल आपको मोबाइल में ऐड करना सीख लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से वो भी देख लिया आपको पीएलपी फाइल मोबाइल में ऐड कैसे करते हैं। तो आपको सारा सारा चीज़ आपको बता दूँगा, आपके हिसाब से आपको सब कुछ ऐसे ऐसे कर लेना है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपना बेल आइकन जरूर।